अभी हम लोग किस चीज का ट्रेनिंग ले रहे हैं? पहले हम लोग हैं कहाँ, मतलब कहाँ पे हैं हम लोग अभी? कहाँ पे हैं? दिल्ली मुगलई। ठीक है, तो क्या आप क्या सोचते हो दिल्ली मुगलई के बारे में? उस तरफ कैमरा, मतलब भाई क्या सोचते हो आप, मतलब बोलो। दिल्ली मुगलई तो है ना, क्या भुवनेश्वर का क्या सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है? जी, मुगलई ब्रांड में। हाँ, मुगलई ब्रांड में हमारा सबसे बेस्ट है। मतलब होता है ना, जैसे मैं कहीं पे भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कहीं पे भी अगर मैं काम कर रहा हूँ तो जब तक मैं प्राउड फील नहीं करूँगा ना, मैं यहाँ पे मतलब मैं हूँ या वो, तो आप कभी भी उससे आगे नहीं बढ़ते हो। अब कहीं पे भी मतलब आप अभी जैसे मैंने जब इतनी मैं कह रहा हूँ, मेरे को खुद 20 साल में समझ आया कि मेरे को जो करना था 20 साल लग गए समझने में। अभी जैसे पहले मुझे भी क्या लगता था ना, मैं इस कंपनी में मैं चला जाऊँगा तो इसका ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। इतने कम है ना, सबके दिमाग में आता है, कुछ भी नहीं होता, उल्टा अपना नुकसान होता है, अपने जो दिमाग वो भ्रष्ट होता रहता है। ठीक है, तो मेनली हमको वो क्लैरिटी अपने दिमाग में लानी है। ठीक है, दूसरा अभी क्या होता है, एक छोटी सी कहानी से बताऊंगा, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए देखो, एक गाँव होता है, वहाँ पर होते हैं दो दोस्त। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक होता है हट्टा कट्टा सलमान शेफ जैसा और एक होता है बिल्कुल पतला दुबला ओ भाई जैसा। ठीक है ना, एक की उम्र होती है 12 साल, दूसरे की उम्र होती है 5 साल। ठीक है, और दोनों ना खेलने जाते हैं कहीं पे, खेलने जाते हैं और उसमें से जो बड़ा वाला बच्चा होता है वो कुएं में गिर जाता है खेलते खेलते। अब कुएं में वो गिर गया तो अब जो छोटा बच्चा वो चिल्लाए अंदर से कि भाई बचाओ बचाओ बचाओ। अब छोटा बच्चा होता है, ठीक है, अब वो क्या करे, उसको कुछ समझ नहीं है। उसको सामने एक पास में ना एक रस्सी नज़र आती है, वो रस्सी डालता है और उस पर पता नहीं कहाँ से हिम्मत आती है या क्या उसके अंदर होता है, वो रस्सी डाल डुल के बच्चे को बाहर निकाल देता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो दोनों के दोनों अपने घर पे आते हैं, फिर वो बताते हैं। तो किसी को भी ना यकीन नहीं होता है, किसी को भी यकीन नहीं होता है कि वो जो छोटा बच्चा है उसने उसकी जान बचाई है। ठीक है, बट जान उसने क्या होती है, उसकी बचाई होती है। ठीक है, तो अब जो ये छोटी सी कहानी थी, ठीक है, अब जो छोटा बच्चा वो उसको क्यों बचा पाया, अगर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना, अगर फिर मैं इसको कंक्लूड करूंगा, फिर मैं इसका बताने को बताऊंगा आपको, बट वो छोटा बच्चा उस बड़े बच्चे को क्यों निकाल पाया बताओ, जबकि वो तो उससे पतला है दुबला है, क्यों निकाल दिया उसने उसको? बोलो 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 बोलो। इसका हिम्मत था वो, हाँ, एक हिम्मत था, करे, वो चाहता है मैं बचा सकता हूँ, तो कुछ भी कोशिश किया, तो कोशिश करने के बाद वो बच गया। हाँ, क्योंकि देखो जब छोटे हम लोग छोटे बच्चे होते हैं ना, या हमारा माइंड क्लीन होता है, तो हमारे पर ना कोई बाउंडेशन नहीं होती है, हम कितना भी ऊपर सोचते हैं। ठीक है ना, अगर कोई बोलता ना तुम, जैसे मैं बोलता हूँ भाई तुम पतले हो दुबले हो तुम भार नहीं उठा सकते, तो तुम्हारे मन में घुस जाएगा कि मैं भार नहीं उठा। बट वो बच्चा छोटा था, कभी ना किसी ने किसी को बोला होगा कि भाई कुएं में कोई गिरता है तो तू बचा नहीं सकता है, तो उसको किसी ने कुछ नहीं बोला था, इसलिए उस बच्चे को बचा पाया। नहीं हुआ कुछ, हुआ क्लियरिटी हुआ क्या, मतलब क्या क्या समझ आया, क्या समझ आया बताओ, बोलो। समझ में ये आया, दिल्ली मुगलई जो है हमको बचाना है। बचाना क्यों, और आगे बढ़ाना है। बचेगा जो भी हालात है, जो भी प्रोडक्शन का हो, जो भी अभी बंदे, ये तो नहीं देखो, ये क्या होता है ना, ये तो प्रोसेस है। आप चाहे ओबराय कंपनी में चले जाइए, ताज कंपनी में चले जाइए, ठीक है, चाहे गूगल में चले जाइए, चाहे कतरे, ये तो सिचुएशन चलती रहेंगी कहीं इस ज़िंदगी में। आपको मैं बोलूँ कि मैंने इतनी कंपनी तो मैंने काम कर लिया। आप अभी जैसे मैं बोलता एक कंपनी का मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट चाहता, ठीक है, नीचे इतनी सारी साइट है, 4-5 हज़ार लोग काम करें, तो मैं सोचता मुझे आराम मिलेगा, तब भी आराम नहीं मिलता है। यहाँ पे इतना काम दे देते हैं, कागज़ पत्थर का वही ख़त्म नहीं होकर देता है। ठीक है, तो वो तो भाई ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। फिर वो है कि आप कैसे स्मार्ट हो, आप अपने तरीके से उस चीज़ को कैसे करते हो। तो कहने का मतलब है, जब आप अपने लिए एक लिमिट सेट कर देते हो ना, आपने लिमिट सेट कर दी कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, तो कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, माइंड ओपन रखो। अब तो बोलो इतना बड़ा ये सोशल, मतलब अभी तो मतलब इतना बड़ा जमाना आ गया है ये कि आप कोई कुछ भी कर सकता है भाई। ठीक है ना, वड़ा पाव बेच के लोग बिग बॉस चले जा रहे हैं, है ना, चले जाते हैं ना। जी, किसने सोचा था कि हैं डोली चाय, देख लो। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप जो सोच रहे हो, मतलब हम अभी जैसे मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, ठीक है, वहाँ भी ऐसी पुराना स्टाफ होता था, चलो आप लोग तो नहीं हो, मैं वहाँ तो मैं कह रहा हूँ 20 साल पुराना। ठीक है, अब कोई कॉमी टू होता तो 50 साल का, तो मैं तो 18 साल में मैंने ट्रेनिंग चालू करी, मैं देख रहा हूँ ये कॉमी टू 50 साल का है, तो मुझे लगता था यार मेरे को कॉमी टू बनने में, अभी तो मैं 18 साल का हूँ, ठीक है, 20 साल और लगेंगे कॉमी टू बनने में, और तनख्वाह कितनी, 3,000 रुपये, मतलब कि मुझे 5,000 करने में 20 साल लगेंगे, है ना। तो जब मेरी वो सोचती, क्योंकि मैंने वैसा ही देखा था, मैंने देखा कोई कॉमी वन है वो 60 साल का आज रिटायर हुआ है कॉमी वन बनके, तो मुझे लगता था कि भैया कॉमी वन बनने के लिए कितने 60 साल लगते हैं, तो मैंने क्योंकि वही देखा। तो जो आप देखोगे ना, जो आजू बाजू, वैसे ही हो जाओगे फिर,
बट तो अब तो मैं कह रहा हूँ इतना मोबाइल है, इतनी रील चल रही है, तो थोड़ा सा दिमाग खोलोगे तो कुछ भी होता है, ठीक है। तो आपको मतलब जो अपना माइंडसेट उस तरीके से रखना, और अभी जैसे हम लोग किचन वाले लोग हैं ना, ठीक है ना, हम लोग हमारे हाथ में तो और वो स्किल है जो कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी जैसे सलमान के पास मेरा नंबर, आप देखो मैं कहाँ कहाँ लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाता रहता हूँ, ठीक है, हैं 2.5-3 साल पहले मैं भी आप लोगों की तरह ही खाना ही बना रहा था। तो चीज़ें कुछ भी होती है, बट आप सोचोगे होगी तो तब होगी वो, है ना। क्या पता थोड़े दिनों बाद सलमान भी वीडियो बनाने लगे, फिर सलमान इतना फेमस हो जाए कि सलमान खान है उसको खाना खाने बोला, कहा कुछ भी होता है भाई, जरूर जरूर है। जब डॉली चाय वाले के पास बिल गेट्स है, कौन पहुंच गया, बिल गेट्स है, है ना। कुछ भी, मैं कह रहा हूँ कुछ भी पॉसिबल है, आप उसको पॉजिटिव तो लो उस चीज़ को जिंदगी में। अभी होता ना, अभी मैं कह रहा हूँ कभी कभी, अभी जैसे लास्ट बार मैं इधर आया था ना, यहाँ पे आया था उस दिन भाई, जैसे हमारे दिल्ली में नोएडा में हमारे ट्रायल चल रहे थे ना, तो मैं पहले मैं उधर था, ठीक है, शाम को किसी ने पार्टी में बुलाया, मैं वहाँ था, फिर मैं उसके बाद पहुँच गया एयरपोर्ट से 1 घंटा, फिर फ्लाइट पकड़ी सुबह इधर आ गया, फिर जब लास्ट बार मैं पूरे दिन सर के साथ, ठीक है, पूरे दिन सर के साथ, फिर उसके बाद वापस फ्लाइट पकड़ के घर अपने, तो पूरा कितने हो गए 48 घंटे हो गए मैं सो ही नहीं पाया, ठीक है। तो आँख ऐसी मोटी मोटी हो जा रही है, तो क्या करें, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, है ना। क्योंकि जब आप एक चीज़ पर आगे कदम बढ़ाते हो तो फिर आपको करना ही करना है, ठीक है ना, नहीं तो फिर आपके पीछे लोग हंसते हैं कि भैया ये तो पागल है, होता ना आपको, आप भी बोलते कि अभी कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसा होता है। तो जब आप एक मतलब कुछ करने की कोशिश करते हो ना, तो जब तब होगा वो, ठीक है जी। चलिए तो सर बताइए, ठीक है, हाँ भाई, चलिए चलिए, थैंक यू।